बात शहर के नया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 125वीं जयंती मनाई गई। पूरा देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का धनबाद झरिया कोयलांचल से बहुत ही गहरा लगाव था। अंग्रेजों ने नेताजी को एलिगन रोड स्थित आवास पर रहने के आदेश दिए और उसी जगह पर कड़ा पहरा बिठा दिया। मामले की सुनवाई 27 जनवरी 1941 को होनी थी। नेताजी को कठोर सजा मिलने की आशंका थी। उसके बाद वो पहरे को भेद कर 16 जनवरी की रात बंगाल की सरहद पार करने में कामयाब हुए। वहां से वो पुटकी बलिहारी स्थित अपने भतीजे के घर पहुंचे। उनके साथ भतीजे और बहू भी थे। समाजसेवी विजय झा ने मीडिया को बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज 125वां जयंती है। अजिंक्य जिनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हैं। यहाँ आने से एकमात्र ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यही एक शख्स हैं जो साहस दिखाते हुए भारत की आज़ादी का उद्घोषणा किया और एक आह्वान दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आप लोग यहाँ पर आए हैं। आज सुभाष जयंती है, इस अवसर पर हम इन्हें नमन करने आए हैं, क्योंकि यहाँ आने मात्र से ऊर्जा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यही एक शख्स थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उस समय आवाम को कहा, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। यह कहने का साहस या उद्घोषणा ही बहुत बड़ी बात है। आवाम को कहना कि खून दो, आजकल के नेता से ये उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग कि देश की आज़ादी के लिए इतना सर्वस्व निछावर करने के लिए वो आगे आएंगे। लेकिन इन्होंने उस काल में जब अंग्रेजों का साम्राज्य था, उस समय ललकारा देशवासी को, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। यह जो इनका विश्वास था, यह उन्हें सभी नेताओं से अलग साबित करता है। और इसीलिए यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ इनसे प्रेरणा मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे वर्ष भर तक हमें प्रेरणा मिलती है कि नेताजी जैसे उनके पद चिन्हों पर चले, उनके कदमों पर चले, उनके बताए रास्तों पर चले। आज देश को आवश्यकता है नेताजी के विचार की। इन्होंने 1930 के दशक में जो बातें कही थी, इस ओर इशारा किया था इन्होंने, आज उन दो चीज़ें देखने को मिल रही है। जिस सांप्रदायिकता की ओर इन्होंने 14 जून 1938 को इशारा किया था, आज वो देखने को मिल रहा है। आज उन्हीं चीज़ों से भारत जूझ रहा है, और सांप्रदायिकता से उसका इशारा 14 जून 1938 को गोमिल्ला के जनसभा में इन्होंने कहा था। ये कितने दूरदर्शी थे। 90 वर्ष पहले इन्होंने जो बातें कही, वो आज अक्षरशः सच साबित हो रही है। इसलिए इनके विचारों को अपनाने की जरूरत है, इनके तमाम भाषणों को पढ़ने की जरूरत है और बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। आज इनकी जयंती पर यह संकल्प लेने की जरूरत है, हम जैसा नेताजी भारत बनाना चाहते थे, आज़ाद हिंद फौज जैसा भारत बनाना चाहते थे, उस वैसा भारत बने, उस भारत को बनाने में हम सबका योगदान हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ नेताजी को हम पुनः नमन करते हैं।